हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे बौद्धिज्म के जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे किस तरीके से बुद्ध जो है अन्पी उद्यान में अपने वस्त्रों को त्याग कर और अपने जो है राजसी वस्त्रों को त्याग कर और भिक्षु के रूप में धारण करके किस तरीके से अन्पी उद्यान से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम स्टेप के फॉर्म में देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ बुद्ध पहुंचे और वहां पर कौन कौन से इवेंट्स वहां पे अकर्ड हुए। तो हम फर्स्टली देखेंगे यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में हमने कहा था कि 29 इयर्स ओल्ड है ना थे और ये जो है घर गृह त्याग कर रहे हैं और उनके गृह त्याग करने की क्रिया को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें महाविनिष्क्रमण की तो महाविनिष्क्रमण जो है बौद्ध धर्म में कहलाता है पहला, ठीक है। अब अगर हम देखें सर इधर देखिए इधर हेलो इधर देखिए स्टेप टू में क्या होगा। स्टेप टू में ये सारथी जो है इनका चलना उसको ये अपने वस्त्र देंगे और कंथक जो घोड़ा है इसके साथ रथ वगैरह सब उसको दे करके यहाँ से वे अन्पी उद्यान में पहुंच जाते हैं। अन्पी उद्यान जो बेसिकली पड़ता है कहाँ पे, अरोमा नदी के तट पे। अरोमा नदी के तट पर इन्होंने अपने बाल मुड़वाए, राजसी वस्त्र उतार फेंके और वस्त्र वृक्ष वस्त्र को धारण किया, हीरे जवाहरात सब चन्ना को दे दिया और यहीं से वो निकल पड़ते हैं अपने जर्नी में। और उस जर्नी के दौरान ये सात दिन तक यहाँ पर रुके। सात दिन के बाद ये पहुंचे कहाँ पर, वैशाली। और वैशाली में इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के जो प्रकांड विद्वान है जिनका नाम क्या है, आपके बोलिए आपके अलार कलाम। अलार कलाम को पहला गुरु मानते हैं लेकिन गुरु बनाने के बाद इनको सेटिस्फैक्शन वो नहीं मिलता है जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, इसलिए जो है आगे बढ़ते हैं। और इस क्रम में पहला गुरु सांख्य दर्शन अलार कलाम को बनाने के बाद ये स्टेप फोर में पहुंचेंगे राजगृह। और राजगृह में इनकी मुलाकात रुद्रक रामचंद्र से होगी और दूसरा गुरु के रूप में रुद्रक रामचंद्र को ये बनाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध उरुवेला पहुंचेंगे और उरुवेला के अंतर्गत अगर हम देखें तो इनको पांच ब्राह्मणों से इनकी मुखातिब होगी यानी मुलाकात होगी। और ये पांच ब्राह्मण बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं और ये उसी क्रम में जा करके ये भी बैठ जाएंगे और तपस्या करना स्टार्ट कर देंगे। इन पांच ब्राह्मणों की अगर बात करें अच्छे तो देखिए सबसे पहला आपका है अंगे, दूसरा आपका है अस्सजी, भव्य और बर्दी और कौंडिन्य। ये पांच ब्राह्मणों के साथ बैठ करके स्वयं भी पूजा तपस्या करने लगेंगे। तपस्या करने के दौरान कहते हैं कि जब ये 6 वर्ष तक इन ब्राह्मणों के साथ बैठकर पूजा करते हैं उसके दौरान इनको जो है एक सेनानी होता है उसी जो है राज्य में, जिस सेनानी का नाम बेसिकली उस नहीं दिया गया है क्योंकि सेनानी की पुत्री जो है वो सुजाता है। सुजाता जो है खीर बना के लाती है, इन पांचों ब्राह्मणों ने उसका त्याग किया, वो नहीं खाए लेकिन महात्मा बुद्ध ने उनको खा लिया। यानी अभी ये बुद्ध नहीं कहला रहे अभी सिद्धार्थी है। इन्होंने जब खा लिया तो खाने के बाद इनका और इन पांच ब्राह्मणों के साथ क्या हो जाएगा, एक स्क्रफल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। और झगड़ा बढ़ने के दौरान ये जो है पांचों ब्राह्मण यहाँ से त्याग देंगे या इस प्लेस को त्याग देंगे और वो निकल जाएंगे। और इस निकलने के क्रम में यहाँ पर ये बचेंगे अकेले। फिर ये उरुवेला से स्टेप बोध गया पहुंचते हैं और बोध गया में बुद्ध जो है बैठ करके निरंजना नदी है, पुनपुन नदी के नाम से जानी जाती है, निरंजना नदी के तट पर जामृत नामक ग्राम में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर जो है तपस्या करेंगे। और तपस्या के 8वें दिन ही इनको जो है साल्वेशन या फिर ज्ञान प्राप्त जाता है। और बुद्ध को उस दिन वैशाखी पूर्णिमा है इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और बुद्ध धर्म में बहुत बड़ा एक अवतार फेस्ट भी है। अगर बात करें जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब ये है जिसने इंद्रियों को जान लिया हो, जिसने सब कुछ जान लिया हो, उसी को हम लोग बुद्ध कहते हैं। बात करें इनका जो बेसिकली ये जो ज्ञान प्राप्त होने की घटना है उस पूरे घटनाक्रम को, उस घटनाक्रम को कहलाता है संबोधि। इस घटना को संबोधि कहते हैं। और अगर बात करें जो सब कुछ जानने वाला होता है उसको तथागत कहते हैं, इसलिए बुद्ध को यहीं से तथागत कहा गया। सब कुछ जानने वाला तथागत हो गया, बुद्ध सब कुछ जानने वाले हैं चूंकि इनका गोत्र गौतम है इसलिए इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। अगर बात करें हम उरुवेला में तो उरुवेला जब ये आ रहे थे राजगृह से उरुवेला तो उरुवेला में ही इनको दो गली में दो जो है बंजारे मिले थे जो इनके शिष्य बनते हैं, एक है तपस्सु और एक है कल्लिक। ये पहले बंजारे जो है शिष्य बनेंगे इनके। बुद्ध की बात करें तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया और चूंकि ये शाक के वंश से बिलोंग करते हैं इसलिए इनको शाक के मुनि के नाम से जाना जाएगा। अगर बात करें इनका वंश शाक्य है, चूंकि इनको शाक के मुनि कहेंगे
फिर आगे बढ़ेंगे, ये जाएंगे आगे ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ। ऋषिपत्तनम सारनाथ को कहते हैं या अन्य नामों में मरगदाव के नाम से हम ऋषिपत्तनम को जानते हैं। तो ऋषिपत्तनम में जब पहुंचेंगे तो कहते हैं कि ऋषिपत्तनम में इनको वही पांच ब्राह्मण मिलते हैं जो वहां से भाग निकले थे, यहां से पुरुवेला से जो पांच ब्राह्मण जो पूजा कर रहे थे यहां से भागे और ये आ गए थे कहां पे, सारनाथ में। यही इनकी मुखातिब होंगे किससे, बुद्ध से, और बुद्ध को चूंकि ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो ये पांचों ब्राह्मण बैठेंगे और इन पांचों ब्राह्मणों को बुद्ध जो है अपना क्या देंगे, क्या देंगे बोलो सर, अपना उपदेश देंगे और यही बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाएगा। इसी को बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर कहते हैं कि यही शाक्य मुनि जो है वो बेसिकली सारनाथ से निकलेंगे और जाएंगे कहां पे, आठ नंबर बनारस या जो काशी पड़ता है। और यहां पर अब इनके देखिए बुद्ध के अनुयायियों में बढ़ोतरी होने लगी, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो आकर के बुद्ध से जो है मिलेंगे और बुद्ध के लिए बड़े बड़े महामहा बड़े बड़े जो है क्या करेंगे, बिहार बनाएंगे और उन बुद्ध को क्या करेंगे, दान में देंगे। आगे चल करके हम देखेंगे किस तरीके से गणिका है वो भी बुद्ध को बहुत बड़ा एक जो है उद्यान देगी, है ना। तो आनुपाली नाम की जो है गणिका है। फिर आगे हम बढ़ करके देखेंगे यहाँ पर यश की बात करें तो यश नामक एक व्यापारी है और उसके 50 अनुयायी आकर के बुद्ध की शरण में नमो बुद्धाय कर करके वो अपना जो है बौद्ध धर्म में आ जाएंगे। और माँ जो है इसकी जो है यश की, वो जो व्यापारी यश है इसकी माँ जो है वो पहली उपासिका बनेगी बुद्ध की। इस तरीके से हमने स्टेप 8 बनारस तक देखा है और अब हम आगे कल देखेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। थैंक्स।